वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांसक चैनल और मैं हूं यासीन अली और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये D1047 की एक किट है जिसको मैं रिपेयर कर रहा था। ये देसी जो पाकिस्तानी हैवी एम्पलीफायर होते हैं उसमें ये यूज़ होती है। ये आप देख सकते हैं D1047 ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है इसमें। इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये थी कि ये बिल्कुल शॉर्ट थी, यानी कि इसको जैसे ही पावर देते थे ट्रांसफार्मर सीरीज़ में, अगर इसको चेक करते थे तो पूरे का पूरा जो सीरीज़ का लैंप था वो ऑन हो जाता था। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकालने से शॉर्टेज ख़त्म होगी। इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस किट में प्रॉब्लम थी, बाकी सारी किटें ठीक थी। सबसे पहले मैंने ये डायोड चेक किए ठीक थे, कैपेसिटर चेक किए ठीक थे। उसके बाद फर्दर मैंने दोस्तों ये D1047 को रिमूव किया। ये आप देख सकते हैं इसकी एक पिन मैंने तोड़ी हुई है, तो ये भी शॉर्ट हो रहा था, लेकिन इसको तोड़ने के बाद भी ये जो है ना वो इसकी शॉर्टेज ख़त्म हुई। इट मीन्स कि ये D1047 ठीक था। अब D1047 ये वाला मैंने रिमूव किया, ये वाला तो ये इसकी जा रही थी सीधी पॉइंट इस जगह पे। यहाँ पे नीचे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो रही थी, लेकिन उस रेजिस्टेंस का कसूर कोई नहीं। आगे ये एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। ट्रांजिस्टर का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक छोटा सा नंबर नज़र पता नहीं आए कि ना, इसको मैं नीचे रख के चेक कर। ये देख सकते हैं K810A1015GR, ये इसका नंबर है, यहाँ पे ये लगा हुआ था। इसको रिमूव करने से एटलीस्ट इसकी शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। अब इसको रिमूव करने के बाद ये वाली साइड बिल्कुल ठीक तरह से ये वाली साइड बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है, ये वाली काम नहीं कर रही। अब मैं यहाँ पे नया ट्रांजिस्टर लगा दूंगा और इसकी शॉर्टेज तो ख़त्म हो चुकी है। और इसके अलावा ये वाली साइड ठीक तरह से काम भी कर रही है, सिर्फ एक छोटे से ट्रांजिस्टर की वजह से एम्पलीफायर का जो वर्किंग है वो रुक गई थी। तो मैंने सोचा यार आपको दिखा दूं किस तरह से डायग्नोस करते हैं। इसमें दो साइडें होती हैं, लेफ्ट और राइट। ये देख सकते हैं इनपुट लेफ्ट और राइट। राइट साइड वाली जो थी उसमें शॉर्टेज थी, इसको रिमूव करने से लेफ्ट साइड इसकी शॉर्टेज की वजह से लेफ्ट साइड भी नहीं जा रही थी। मज़े की बात यह है, तो अब इस कम अज़ कम इसकी एक साइड जा रही है, दूसरी साइड चलाने के लिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर मैं लगाऊंगा। उसके बाद उम्मीद है कि ये ठीक तरह से चलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो, बाकी इसको मैं लगा के आपको चेक करवा दूंगा।